के कारण देश दुनिया ने कई मुश्किलों का सामना किया है। इस बीच मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में बच्चों की पढ़ाई को भी भारी नुकसान हुआ है। यहाँ तक बच्चों की परीक्षाएं भी स्थगित करनी पड़ी थी। अब लॉकडाउन से अनलॉक वन की ओर बढ़ते कदम से राज्य में छात्र छात्राओं की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। परीक्षा में पूरे राज्य में करीब 8.5 लाख परीक्षार्थी शामिल हुए। पूरे राज्य में 3,682 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें इंदौर में 121 परीक्षा केंद्रों पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ परीक्षा सकुशल कराई जा रही है। कोरोना संक्रमण के भीषण दौर में लॉकडाउन से अनलॉक वन के बढ़ते कदम की ओर 12वीं के कुछ बचे हुए विषयों की परीक्षाएं फिर से शुरू हो गई हैं। इसमें मध्य प्रदेश के बदनावर ब्लॉक में 11 केंद्रों पर परीक्षा शुरू की गई, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। साथ ही परीक्षा केंद्रों पर स्कैनिंग और सैनिटाइजर कर विद्यार्थियों को परीक्षा कक्ष के अंदर प्रवेश दिया गया है। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के सुवासरा क्षेत्र में प्रवासी मजदूरों के घर लौटने पर एक बार फिर क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली से लौटे प्रवासी मजदूरों में एक व्यक्ति कोरोना संक्रमित निकलने से पूरे क्षेत्र को सुरक्षा के लिहाज से कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित कर सील कर दिया है। वहीं सभी प्रवासियों को मंदसौर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया है। दिल्ली से लौटे प्रवासियों के कारण कोरोना ने फिर से दस्तक दे दी है, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मध्य प्रदेश में कोरोना संकट के बीच राज्य सरकार और शराब कारोबारी आमने सामने होते दिखाई दे रहे हैं। कोरोना संकट के दौरान सरकार और शराब व्यापारियों की तालमेल जमते नहीं दिख रही है। इन सब के बीच इंदौर जिले में आज से गांव और इंटीरियर के कुछ इलाके मिलाकर 29 शराब दुकानें खोली गई। सरकार और शराब कारोबारी के आमने सामने होने पर इन दुकानों को फिलहाल आबकारी विभाग का महकमा संभाल रहा है। मध्य प्रदेश में सियासी उठापटक के बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के इंदौर आगमन पर विधायक कुणाल चौधरी ने निशाना साधते हुए कहा कि लोकतंत्र के राजा जनता का हाल जानने इंदौर आए हैं। कोरोना संकट में राजमहल से 70 दिन बाद बाहर निकलने का साहस दिखाया और जनता हाल जानने के लिए विधायक ने हमलावर होते हुए कहा कि इस दयालुता के लिए हम सब उनके हृदय से आभारी हैं। आज प्रदेश के मुख्यमंत्री लगभग 70 दिन बाद इंदौर के दौरे पर जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे लगातार कांग्रेस पार्टी मांग कर रही थी कि वहां पे इंदौर पहुंचे, क्योंकि इंदौर में लगातार संक्रमण बढ़ता जा रहा है और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संक्रमित शहर हो चुका है। बड़ी देर कर दी जनाब आते आते हैं, जब मध्य प्रदेश का इंदौर शहर वुहान की तरफ निकल चुका है, विश्व हिंदुस्तान के अंदर छठे नंबर का संक्रमित शहर, सबसे ज्यादा मौतों का शहर इंदौर बन चुका है। पर कहीं ऐसा नहीं हो कि आपका इस 70 दिनों के बाद जो आपने साहस दिखा के भोपाल से इंदौर के लिए निकले हैं, ये सिर्फ एक राजनीतिक दौरा होकर ना रह जाए। मेरा आग्रह है सभी जनप्रतिनिधियों से चर्चा करें, कैसे एक स्ट्रेटजी प्लान करके इसे जो इंदौर एक वुहान के रूप में दिख रहा है कि वुहान बनता हुआ जा रहा है मध्य प्रदेश का, उसे कैसे रोका जाए, कैसे जनता को राहत दी जाए, क्योंकि प्रदेश की जनता इंतजार कर रही है कि प्रदेश के मुखिया ये घोषणा करेंगे कि 3 महीने के आपसे बिजली के बिल नहीं लिए जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आर्थिक गतिविधियां मध्य प्रदेश की ठप पड़ी हुई है। लगातार जनता त्राहिमाम में है, ना आर्थिक संसाधन है, ना लोगों के पास इलाज के संसाधन है, और जिस प्रकार से इसमें आपदा में अवसर समझ के जो लूट सको तो लूट योजना इंदौर और पूरे मध्य प्रदेश के अंदर आपदा के नाम पे चली है, इसके ऊपर भी जांच की जरूरत है। मेरा आग्रह है मुख्यमंत्री जी, आप बड़े दिनों बाद वहां पे पहुंचे हैं, वहां पे निकल रहे हैं, तो जनता को राहत की उम्मीद है, जनता को राहत दे और कहीं ना कहीं इस जो आपदा के अंदर आप वहां पहुंचे हैं, इसे राजनीतिकरण की जगह सभी जनप्रतिनिधियों से मिलके क्या ठोस उपाय हो सकते हैं और जनता को राहत देने के, जनता को बचाव करने के क्या उपाय हो सकते हैं, इस पर विचार करें।